हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएल टीच में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो इसमें जो है आपके लिए जो आपका पेपर कैसे आने वाला है और किस तरह का आपका पेपर रहेगा वो सभी जो है जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलती रहेगी। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें, ठीक है। कैसा आपका पेपर आएगा और क्या कुछ पेपर रहेगा वो सभी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देखें सबसे पहला क्वेश्चन, तो आप सबसे पहला क्वेश्चन देख लें दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लें, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया, आपको सही विकल्प चुनिए, दूसरे का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड क्वेश्चन में है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और फोर्थ क्वेश्चन में है सही जोड़ी बनाइए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें www.slteach.in। इस वेबसाइट पर आपको इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा, आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है वो है भूमिजल पानी के स्रोत, आप जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है। छठवा क्वेश्चन देख लें, यहाँ पर 1857 क्रांति से रिलेटेड था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सातवा, आर्थिक विकास कैसे कहते हैं। उसके बाद आठवा क्वेश्चन में अमृत संरक्षण, आप नवा देखेंगे तो लाल मिट्टी और एवं लेटराइट मिट्टी में अंतर दिया हुआ है। इसके बाद दसवें क्वेश्चन में 1857 के संग्राम की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड मतलब टेलीग्राम से भी आप इसका पीडीएफ पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। यहाँ पर देखेंगे आप 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के चार कारण लिखी, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद 15वें क्वेश्चन में निर्यात संवर्धन एवं आयात प्रतिस्थापन कार्य स्पष्ट कीजिए। इसके बाद 16वां बंद से होने वाले कोई पांच लाभ लिखिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 17वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कोई पांच विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। अथवा में भारतीय संविधान वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। 18वां जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या है, जल संसाधन का मानव जीवन क्या महत्व है। इसके अथवा में हरित क्रांति का अर्थ एवं विशेषता लिखिए। 19वां दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक कैसे हैं लिखिए। मैं अब आपको बताऊँगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई डाउट हो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट समझना आए, या बोर्ड्स हो या जेई नीट, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज थ्री इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चंस का पिक्चर्स लें या फिर उन्हें टाइप कर सबमिट कर दें, और फ्लो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया है यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, ये इतना सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप इसे ऐप को जाकर डाउनलोड करें, कैसे है लिखिए। इसके बाद दोस्तों 20वां क्वेश्चन था 1857 क्रांति की सफलता कोई पांच कारण लिखिए। इसके अथवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कोई तीन उद्देश्य लिखिए। तो ये था दोस्तों पूरा सॉल्यूशन जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको पता है वीडियो को लाइक करने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जो है गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.slteach.in, वहाँ पर आपको इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये पिछले साल का जो है आपका पेपर है वो भी किस चीज़ का, तो रिवीजन टेस्ट का, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।